दुनिया पता नहीं कैसी हो गई दोस्त। Hey guys, welcome back to the channel और एक बार फिर से आपका स्वागत है मटर गश्ती के टेरिस पर, जहाँ से गांधी सेतु दिखता है और जहाँ से ये खूबसूरत सा व्यू दिखता है। तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा और आज के दिन बहुत कुछ हुआ। अचानक से चीज़ें बदलती चली गई और चीज़ें होती चली गई, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। हालांकि बहुत जगह घूमने का जो मौका मिल रहा है, लेकिन शूट नहीं कर पाता है क्योंकि आदमी काम इतना ज़्यादा होता है ना कि आप शूट नहीं कर पाते। हर रोज़ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, और घर आते आते काफ़ी देर शाम हो जाती है। लेकिन जब हम बाहर होते हैं काम के दौरान, तो कोशिश करते हैं कुछ ऐसा शूट करें जो आपको दिखाने में अच्छा लगे। लेकिन आज शूट करते करते कुछ अलग ही सा हो गया, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। हुआ ऐसा कि आज लोगों का एक ऐसा चेहरा दिखा कि जो लोग किसी को कैसे छोड़ सकते हैं कहीं पर, अगर कोई परेशानी में हो तो भी लोग छोड़ दे रहे हैं। यार, आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आप सड़क के ऊपर हैं, हालांकि कोई आम आदमी तो बिना काम के बाहर निकल नहीं रहा है, लेकिन जो लोग बाहर हैं काम से ही हैं, उन लोगों को भी तो ये मिलता है ना, ये बनता है ना कि अगर कोई मुसीबत में हो, कोई सामने वाला हो, तो उसकी हेल्प की जाए। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, और भाई को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लीजिए। तो पटना की सड़कों पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये क्या है यार, ये पटना है क्या? कभी कभी मुझे याद है कि जब हम लोग इस फ्लाईओवर से गुजरा करते थे, तो यहाँ से फ्लाइट, वहाँ से फ्लाइट, वहाँ से फ्लाइट, हर तरफ ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और आपको वो हल्का हल्का पानी जैसा भी दिख रहा होगा, दरअसल पानी नहीं है, उसको मिराज कहते हैं, और वो अभी रोड पे बन रहा है। और पटना की सड़कों पर कबूतर, ये तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता भाई, पूरा का पूरा सन्नाटा है, एक भी गाड़ी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है। और वाकई में बिहार को लेकर के टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि आंकड़ा पहुँच गया 60, अभी आज डेट है 10 अप्रैल, और आज सुबह तक का जो अपडेट था वो आंकड़ा हो गया है 60। सिवान सबसे ज़्यादा इसमें परेशान है, ये सब जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही काम ना करते हैं। और इन लोगों को सैल्यूट है भाई, डॉक्टर्स को, पुलिस को और जर्नलिस्ट को, इसमें भी लॉकडाउन में भी काम करना पड़ रहा है। ये जितने फ्लाईओवर है, ये सब के नीचे पहले गरीब लोग रहा करते थे, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन अभी सबको यहाँ से हटा दिया गया, सभी को हटा दिया गया, क्योंकि क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हालत बिगड़ेगी बहुत ज़्यादा। अरे पटना में नेवला, अभी हालत ऐसी है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुँच जाते हैं एकदम, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चलती सड़कों के ऊपर, सभी कुछ बंद है, सारे शोरूम्स वगैरह सब कुछ बंद है यहाँ पर। अभी हम लोग कंकड़बाग में हैं, और देखिए कंकड़बाग का हाल क्या है। पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, ये डोमिनोज भी है यहाँ पर, और ये अभी कोई भी नहीं आपको दिखेगा यहाँ पर। ये अपना पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पूरा सुनसान है भाई, पूरा का पूरा। ये रहा अपना पाटलिपुत्रा खेल परिसर, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये मेरे छत पे एक राजा महाराजा के ज़माने वाली कुर्सी है, माइंड मत करिएगा। लेकिन जैसे हम लोग शूट कर रहे थे, जैसे हम लोग जा रहे थे, जिस काम की वजह से मैं कंकड़बाग गया था, तो कंकड़बाग जाते जाते जैसे ही मैं पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से गुजरा, उसके बाद ये हो गया। बाबू राग जी गाओ। अरे बाप, अभी तो पता नहीं क्या हो जाता यार, लॉकडाउन में भी सब बाहर घूम रहे हैं। वो तो कहिए कि ऊपर वाले कर्म था कि सब कुछ ठीक रहा, कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ होता ना तो मैं सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने वाला था, लेकिन ऊपर वाले कर्म से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़े। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ये देख लीजिए। ये अपना डॉक्टर्स कॉलोनी है, और डॉक्टर्स कॉलोनी में पहले हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो लोग थे
वो सभी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर पटना मेट्रो का जो सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा था, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखलाया था, यहीं पर एकदम बिल्कुल यहीं पर सॉइल टेस्ट किया गया था। पटना के आसमान में मैं फ़्लाइट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। एकदम आसमान क्लीन है क्योंकि कोई फ़्लाइट नहीं आ रही है। पहले आसमान में हमेशा फ़्लाइट हुआ करती थी, हर 5 मिनट पर एक फ़्लाइट दिख जाती थी, लेकिन अभी कोई भी फ़्लाइट नहीं दिख रहा है। और ये आ गया अपना दिनकर गोलंबर वाला फ्लाईओवर, निकल जाएगा। चलो ठीक है, ठेला वाले भैया क्या हो गया इसको, कहाँ गया बाबा? बाबा बाबा कहाँ हुआ है? कहाँ भाई, कहाँ है, गिर गिर पड़ा? कहाँ हुआ? पानी पीजिएगा, पानी लेके आ रहे हैं। एक पानी की बोतल दीजिए ठंडा। लीजिए भैया, ये भी रख लीजिए, ये भी रखिए, ये भी रखिए। चलिए ठीक है, फिर चले जाइए, चले जाइएगा ना, ठीक है। क्या करें, मतलब कि कैसे हालात आ गए हैं कि आप किसी को मदद करने के पहले भी 10 बार सोचते हैं यार कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अगर किसी को मदद करने को मिले तो मदद करिए उसकी, क्योंकि पता नहीं वो कौन है क्या है। उसके बाद आप सबसे यार ज़रूरी चीज़ है ना कि हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर। दुनिया पता नहीं कैसी होगी दोस्त, आज की डेट में सब परेशान है, कोई ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। एक चीज़ बहुत ही अजीब सी लगी कि जब मेरे पास तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है तो हम भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो अगर थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाता है हमें तो फिर हम थोड़ा ठीक फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उनको, उनको भी जब ठंडा पानी मिला तो उसके बाद वो अच्छा फील करने लगे और फिर वाकई खड़े हो गए। आप लोग क्या कर रहे हैं सर, आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, सभी एरिया में। चलिए सर, आप लोगों को सैल्यूट है। तो फिर दोस्त ऐसा है कि बिहार में अब डराने वाला कंडीशन आ गया। मैं डराने वाला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ से कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, वहां पर जो केसेज है ना वो ज्यादा मिल रहे हैं। सिवान में सबसे ज्यादा केसेज आ चुके हैं, आज 10 अप्रैल तक का जो आंकड़ा है वो 60 का है। 60 पेशेंट कम नहीं होते, 60 पेशेंट बहुत होते हैं। अभी सिवान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और बेगूसराय को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अगर दोस्त हम लोग लापरवाही बरतेंगे ना, अगर हम लोग सीरियस नहीं होंगे ना, तो
आगे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो बस यही कहना है, एक तो पहली चीज़ ये कि अगर आप बाहर हैं, अगर आपकी ड्यूटी लगी है, आप बाहर में काम करने के लिए रोज जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई मिले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, अगर आपको कोई मिले जो परेशान हाल में हो, तो उसकी मदद करिए। और दूसरी चीज़ क्या है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, और आपको परिवार सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सब खुश रहेंगे, क्योंकि सब हमारे फैमिली के मेंबर ही हैं। तो बस आज ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।